मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर आराधना और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर जिसका के नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो हमारी लाइफलाइन कैसे है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नेचर है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, यहाँ एक इकोलॉजिकल सिस्टम चलता है जहाँ पे कि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द एनवायरनमेंट। तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे हम सभी किसी ना किसी पे अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट हैं और फॉरेस्ट जो है ये हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल बींग अ ह्यूमन बींग, इंसान जो है हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने खाने के लिए या फिर बाकी सारे एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम प्लांट और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो अगर प्लांट नहीं रहे तो हम खाना क्या खाएंगे? और बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट खाते हैं और उन्हें हम खाते हैं। तो अगर प्लांट नहीं होगा तो हमारा ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये जो बैलेंस है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की कि फॉरेस्ट जो है ये हमारा लाइफ लाइन कैसे है, मीन्स कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। तो पहले फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट को हम ले लैंग्वेज में कहते हैं जंगल, जहाँ पे वैरायटीज ऑफ ट्रीज, वेजिटेशन, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब आपस में मिलके रहते हैं बाय मेंटेनिंग इकोलॉजिकल सिस्टम। तो अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो हम रहते हैं शहरों में, इन अर्बन सिटीज, तो हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को उतना नहीं समझ पाते। बट अगर हम अपने नोमैडिक पीरियड या अर्ली पीरियड्स की बात करें, या अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोग फॉरेस्ट में अभी भी रहते हैं, दे ऑब्टेन देयर ऑल नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें ये बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड कराता है, लाइक फूड, फ्रूट्स, प्लांट, वेजिटेशन, मेडिसिंस, वुड, फ्रेश एयर, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें वो फॉरेस्ट से मिलती है। तो आज के डेट में हम अपनी लाइफ को सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट अर्ली पीरियड, प्रीवियस पीरियड्स की बात करें तो लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहना उनके लिए आसान था क्योंकि जंगल उन्हें वो सारी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराती थी जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लाइक वाटर, फूड, एरिया फॉर लिविंग, फॉडर उन्हें मिलता था, उनके जानवरों के लिए खाना भी फॉरेस्ट में इजीली मिल जाता था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं तो हमें एनिमल्स भी मिल जाते थे। तो फॉरेस्ट सप्लाई ऑल द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द सर्वाइवल। तो फॉरेस्ट इसीलिए लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट जो है ये लाइफ लाइन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करता है। फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है, इसीलिए फॉरेस्ट को हम कहते हैं फॉरेस्ट इज अ लाइफलाइन। तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। फॉरेस्ट इज आवर लाइफलाइन बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट इन सम वे और द अदर फॉर सर्वाइवल। फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। और अगर हम अपनी बात करें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये उनका शेल्टर है, ये उनका घर है। तो फॉरेस्ट इज होम फॉर मेनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए फॉरेस्ट में बहुत तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है और फॉरेस्ट जो है वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड कराता है, इसीलिए वी कंसिडर फॉरेस्ट एज अ
lifeline and it is the important and vital part for the humankind as well as the living organisms like plants, animals, microorganisms or other living organisms living on the planet Earth. Forest provide us with fresh air to breathe, food, medicine and other sources like wood, fodder and other raw material for industries. अब फॉरेस्ट हमारे बेसिक एक्टिविटीज या डे टू डे एक्टिविटीज में किस चीज में काम आता है? तो फॉरेस्ट सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है हमारा फ्रेश एयर. फॉरेस्ट में ज्यादा पेड़ पौधे, ज्यादा वेजिटेशन, प्लांटेशन होने के कारण वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम दी फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमें फूड प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस मेडिसिन. फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे हर्बल प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिसको कि यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं जो कि हमारे डे टू डे कंजम्पशन में काम आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, फॉडर अपने पशु पक्षियों के लिए खाना मिलता है, जो जीव जंतु हम लोगों ने पाल रखे हैं लाइक कैटल्स, बफेलोज, काउज, डॉग्स, डोंकीज, ये जितने भी हमारे कैटल्स हैं इन सभी के लिए खाना हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है इजीली. एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको कि रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से मिलता है. फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्रीज. रबर इंडस्ट्रीज में रबर ट्रीज के थ्रू उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है. तो फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस को हम अब उतने अच्छे से नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग अब फॉरेस्ट के नज़दीक या फॉरेस्ट के आसपास नहीं रहते. वी लिव इन द सिटीज एंड अर्बन एरियाज बट स्टिल वी शुड नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्योंकि फॉरेस्ट को कहा गया है कि इट इज़ आवर लाइफ लाइन. सो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फॉरेस्ट इज ए वाइटल पार्ट फॉर दी मैनकाइंड. हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट कंजर्व आवर फॉरेस्ट बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन दी फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड होल्ड द अर्थ फर्मली. अब फॉरेस्ट का और क्या इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट जो है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. हमारे सॉइल का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे सॉइल में बहुत सारे लेयर होते हैं. ये जो होते हैं ये हमारे बेडरॉक्स होते हैं जो सबसे लोअर लेवल में होते हैं. ये जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है विच कंटेन्स ह्यूमस, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर होता है लाइक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, इन सभी के लिए शेल्टर होता है. ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है. तो जो हमारे सॉइल का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं या ए होराइज़न कहते हैं, उससे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए फॉरेस्ट हमारी मदद करता है. कैसे मदद करता है? क्योंकि सॉइल में जो है, फॉरेस्ट में जितने भी वेजिटेशंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, इनके जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं? मिट्टी को कैप्चर करके जकड़ के रखती हैं कि अगर कभी बहुत तेज हवा या बहुत तेज पानी का बहाव आए तो ये मिट्टी जो है ये बह के एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच जाए. तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हमारी फॉरेस्ट बहुत मदद करता है. और हम जानते हैं कि सॉइल जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम कल्टीवेशन कैसे करेंगे? कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे. तो हाउ वी विल गेट आवर फूड क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी. इसीलिए फॉरेस्ट जो है ये वेजिटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. और हम जानते हैं कि अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे. इसीलिए सॉइल फॉरेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. और फॉरेस्ट की मदद से हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि है सॉइल, उसे भी वो इरोज करने से बचाता है. सॉइल इरोजन के प्रोसेस को होने से फॉरेस्ट बचाता है क्योंकि फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेशंस हैं, जो ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो अर्थ सरफेस की मिट्टी होती है इसको फर्मली बाइंड करके रखती हैं ताकि कितने भी तेज बहाव का, पानी का बहाव हो या हवा का बहुत प्रेशर हो, मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह
बह के या उड़ के ना जा पाए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट जो है ये सॉइल इरोजन में भी हमारी, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। तो फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनसे हमें बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज मिलती है लाइक फूड। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर है, हमें मेडिसिन मिलती हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है हमारे फॉरेस्ट से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेस्ट जो है ये सॉइल इरोजन को कम करने में, रिड्यूस करने में, प्रिवेंट करने में यूजफुल होती है, बहुत मदद करती है। फॉरेस्ट आर दी हैबिटेट फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव्स एंड ग्रोज। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, मीन्स जहाँ उनका पूरा पालन पोषण भरण पोषण होता है, दैट इज देयर हैबिटेट। तो फॉरेस्ट जो है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है। और हम और आप जानते हैं कि शेल्टर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हाउस होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी एक्सटर्नल हजार्डस फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, बारिश से, धूप से, गर्मी से, तूफान से, अनइवन क्लाइमेटिक कंडीशन से हमें कौन बचाता है? हमारा घर, हमारा शेल्टर। तो फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक शेल्टर है। दे प्रोवाइड अ हैबिटेट टू नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, वो उनका अपना घर है। और हम तभी जानते हैं कि हमारा घर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट इज़ अ लाइफ लाइन बिकॉज इट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करती है। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में मदद करती है। फॉरेस्ट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। और फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका घर है, उनका हैबिटेट है। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट। इट फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एट दैट टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के डेज में, इफ यू टॉक अबाउट टूडेज जनरेशन, आज के समय में हम लोग शहरों में, गाँवों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, वी लिव इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज विच इज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। बट पहले के जमाने में क्या हुआ करता था? इफ यू टॉक अबाउट द एंशियंट टाइम, हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था? लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते थे। दे यूज़ टू लिव इन द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में उनको वो सारी बेसिक ज़रूरतों का पूरा, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उनकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में मदद करती थी। जैसे कि फॉरेस्ट उन्हें खाना देती थी। हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथ, वाटर और फ्रेश एयर। तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज हमारी फॉरेस्ट पूरा कर देती थी। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फूड। उस समय जो लोग एंशियंट पीरियड में जो लोग रहा करते थे जंगलों में, उन्हें खाना फॉरेस्ट से ही मिलता था। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्हें वो मार के खाते थे। तो फूड जो है उन्हें फॉरेस्ट से मिलता था, उन्हें फॉरेस्ट से मिलता था शेल्टर। रहने की जगह भी उन्हें फॉरेस्ट में मिलती थी। वो पेड़ों के नीचे अपने छोटा सा झोपड़ी या किसी गुफा में रहते थे। तो दे यूज टू गेट शेल्टर फ्रॉम द फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिसिन। फॉरेस्ट लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करने में भी बहुत मदद करती थी। जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो उस समय फूड, शेल्टर, मेडिसिन, वाटर, पीने के लिए पानी, फ्रेश एयर और अगर हम बात करें क्लोथ्स, फॉरेस्ट हमें उन समय में, फॉरेस्ट जो है वो एंशियंट लोगों को कपड़े भी देता था, क्योंकि एंशियंट पीरियड्स में लोग जो है वो स्टिच्ड क्लोथ्स वगैरह नहीं पहनते थे। दे यूज टू वेयर एनिमल स्किन, बार्क ऑफ दी ट्रीज, लीव्स ऑफ दी ट्रीज, पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छाल, जानवरों की स्किन, ये सारी चीज़ें वो पहनते थे एज अ क्लोथ एंड दे गेट इट फ्रॉम दी फॉरेस्ट। तो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए विदाउट एनी एमिनिटीज़,
एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए जो सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी वो इन्हें मिल जाती थी फॉरेस्ट से। इसीलिए फॉरेस्ट जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था उस समय के लोगों के लिए जो कि नोमैडिक लाइफ जीते थे, या उस समय के लोगों के लिए जब एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करें तो उन समय के जो लोग हुआ करते थे उनके लिए फॉरेस्ट ही उनका सब कुछ हुआ करता था। उन्हें वहाँ पे खाना मिलता था, रहने की जगह मिलती थी, मेडिसिन मिलता था, पानी मिलता था, साफ हवा मिलते थे, क्लॉथ्स मिलते थे, खाना बनाने के लिए दे ऑल्सो गेट वुड। उन्होंने अगर किसी जीव जंतु को पाल रखा है तो उसके लिए फॉडर, उनके खाने के लिए भी उन्हें चीज़ें मिल जाती थी। तो ये सारी बेसिक नेसेसिटीज उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाती थी। इसीलिए जो भी एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाती थी। इसीलिए फॉरेस्ट जो है एक लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत थी वो सारी फॉरेस्ट में अवेलेबल थी। इसीलिए एंशियंट टाइम में लोग बहुत ही आराम से फॉरेस्ट में अपना गुजारा करते रहते थे। बट आज के डेट में वी आर लिविंग इन द सिटीज, तो हम फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते। Nowadays we live in cities and town which is far away from the forest and many people are really not aware about the importance of forest in our life. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो था उनके लिए लाइफलाइन था, और अगर हम मैनकाइंड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की बात करें लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी के लिए फॉरेस्ट भी उनका एक शेल्टर था, हैबिटेट था, जहाँ वो बहुत ही आसानी से रहते थे और अपने जीवन को गुजार लिया करते थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट नाउअडेज, हम और आप अपनी बात करें तो हम लोग जंगलों से बहुत दूर हैं। इसी के कारण यही है कि हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के अंदर किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन सभी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का कि फॉरेस्ट जो है ये लाइफ लाइन क्यों है, फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मैनकाइंड और अदर प्लांट्स और एनिमल्स, इनके लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल नाउ थैंक यू सो मच।